के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान में बेखौफ अपराधियों ने सरकारी शिक्षक को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया है। पूरी घटना जो है सीवान जिले के दरौंदा थाना इलाके में घटी हुई है, जहां पे झनचुहा और समान गांव के बीचों बीच सड़क पर बेखौफ अपराधियों ने सरकारी शिक्षक को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया है। स्थानीय लोगों मदद से और प्रशासन की मदद से उस व्यक्ति को महाराजगंज मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। पूरी घटना जो है सीवान जिले के दरौंदा थाना इलाके में घटी हुई है। पूरी घटना जो है दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरपुर निवासी रामधनी मांझी के पुत्र भरत मांझी के साथ घटी हुई है। भरत मांझी सरकारी शिक्षक थे, वहीं घर से बाजार महाराजगंज के लिए बाजार करने आ रहे थे, तभी बेखौफ अपराधियों ने उनके सर में गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही महाराजगंज थाना अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह, दरौंदा थाना प्रभारी छोटन कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। आखिरकार विवाद क्या है, किस वजह से आखिरकार शिक्षक को गोली मारी गई है, ये तो पुलिसिया जांच के बाद पता चलेगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार घटना के बाद महाराजगंज थाने की पुलिस और दरौंदा थाने की पुलिस 112 की टीम जो है महाराजगंज के मंडलीय अस्पताल पर पहुंची हुई है। तो फिर से बता दें कि बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान में बेखौफ अपराधियों ने सरकारी शिक्षक को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया है। पूरी घटना जो है सीमांत जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के दरौंदा थाना क्षेत्र के धनचुआ और समान गांव के बीच घटी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन जो है मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक जो है घर से बाजार करने के लिए महाराजगंज शहर आ रहे थे, तभी बीच रास्ते में धनचुआ गांव के समीप बेखौफ अपराधियों ने सर में गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया है। शिक्षक की पहचान दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरपुर गांव के रामधनी मांझी के पुत्र भरत मांझी के रूप में हुई है। भरत मांझी दरौंदा थाना क्षेत्र के ढेबर में एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे, वहीं किसी काम को लेकर महाराजगंज आ रहे थे, तभी बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार घटना के बाद स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब देखना होगा इस मामले में महाराजगंज थाने की पुलिस और दरौंदा थाने की पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है, कब तक इस घटना में शामिल अपराधी के पास पहुंच पाती है, यह समय में पता चलेगा।